ट्यूटोरियल चैनल। आज से मैं 21वें दिन में पहुंच गया स्पोकन का, और अब जो वीडियो है आप लोग को बहुत ही मन लगेगा। तो कीप वाचिंग माय वीडियो डेली एंड एंजॉय योर डे, बिकॉज आई एम गिविंग यू नॉलेज अबाउट स्पोकन। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग लेट्स स्टार्ट कल ही हम लोग ये सेंटेंस हम लोग बोले थे, तो कोई भी चीज को शुरू करते हैं तो हम लोग बोलते हैं लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं वर्ड का। तो वर्ड आज का वर्ड है वर्ड ऑफ द डे गिव। गिव मतलब होता है देना, ठीक है। जैसे आप कुछ चीज देते हैं, तो फिर से देखिए एक्सप्लेन हर चीज को करता हूँ। गिव मतलब देना, आप किस चीज को देते हैं तो हम लोग बोलते हैं गिव। नेक्स्ट है टहलना। आजकल सब कोई व्यक्ति सुबह सुबह भोरे उठ करके टहलता है, तो टहलना के लिए वर्ड होता है वॉक। कहते हैं ना हम वॉकिंग पे जा रहे हैं, कोई हिंदी नहीं बोलता आजकल टहलने जाते हैं, हम लोग बोलते हैं वॉकिंग पे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बात बात पर गाली देते हैं, तो गाली देना का वर्ड होता है एब्यूज। कहता हूँ उसने मुझे एब्यूज किया। नेक्स्ट वर्ड है टच। टच मतलब था छूना। कोई भी चीज आजकल मोबाइल में चाहिए टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन टच मतलब क्या होता है छूना। आगे वर्ड है लिव। LIV लिव का मतलब रहना होता है, और जब लाइव पढ़ते हैं तो उसका मतलब था जीवंत रहना। जैसे कि कोई भी टेलीकास्ट होता है आपका, कोई भी जो जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है, जैसे आप लोग IPL देखते हो तो लाइव टेलीकास्ट देखते ही नहीं, तो वही स्पेलिंग होता है LIV। लाइव मतलब रहना, और लिव मतलब रहना, और लाइव मतलब जीवंत रहना, कोई भी चीज डायरेक्ट प्रसारित होना। जैसे कि हम लाइव अगर आ जाते इस चैनल पे तो वो डायरेक्ट आपका LIV होता। नेक्स्ट है लिव। लिव मतलब छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लिव मतलब छोड़ना। कहता है ना कि लिव इट, अरे छोड़ दो इसे। नेक्स्ट वर्ड है स्टे। स्टे मतलब ठहरना। एक्चुअली हम लोग जब किसी को बोलते हैं ना कि थोड़ा देर रुको ना हम आ जाएंगे, तो वहां बोलते हैं स्टे का प्रयोग करते हैं, स्टॉप नहीं बोलते, स्टे, प्लीज स्टे फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट है पे अटेंशन। स्पेशली आप लोग देखे होंगे जब आप लोग ट्रेन में पकड़ते होंगे तो बोलते, वहां पे अनाउंस जब होता है तो बोलता मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो अटेंशन, वही अटेंशन स्पेलिंग है पे अटेंशन। तो पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड है बिगिन या स्टार्ट। बिगिन या स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। जैसे आप लोग गेम खेलते हैं या कहीं और कुछ करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट होता है वहां पे लिखा हुआ रहता है स्टार्ट, क्लोज, इस तरह का बहुत सारा चीज रहता है। तो स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, या बिगिन मतलब भी शुरू करना, तो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है लौटना, रिटर्न। कहता है कि कभी कभी लौटना और लौटाना दोनों का कभी कभी वर्ड होता है रिटर्न। कहता है रिटर्न कब करेगा तुम, तो रिटर्न मतलब लौटाना और लौटना दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पाना। तो आप कोई भी चीज कहते हैं, कहता हम सक्सेस पा के रहेंगे, तो पाने के लिए जो वर्ड होता है गेट, और गेट सक्सेस लगा देंगे तो सक्सेस पाना हो जाएगा। बताना, बताना के लिए होता है टेल, TEL, टेल मतलब होता है बताना, और इसी टेल से बना है, टेल मतलब कहानी। नेक्स्ट वर्ड है पीछे। अब ये जितना भी था ये सारा वर्ब था, और वर्ब के बाद ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप यूज करेंगे सेंटेंस में, लंबे लंबे सेंटेंस बनाने में। तो पीछे का क्या होता है बिहाइंड, जैसे कि आपके सफलता के पीछे कौन है, हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है, तो आप बोलते हैं कि माई टीचर इज बिहाइंड माई सक्सेस, मेरे टीचर जो है मेरे सफलता के पीछे है। नेक्स्ट है आपका शीघ्र या जल्दी, तो इसके लिए होता है सून या क्विकली। कहता है जल्दी आना, जल्दी आना, तो कम सून, प्लीज प्लीज कम सून, मम्मी कम सून, जल्दी आना मम्मी, ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट है अभी तक। अभी तक के लिए होता है स्टिल। कथन आई एम स्टिल ए गुड स्टूडेंट, मैं अभी तक अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो स्टिल मतलब अभी तक। नेक्स्ट वर्ड है अभी भी, येट, जैसे कि मैंने अभी तक काम नहीं किया, आई हैव नॉट वर्क येट, मैंने अभी तक काम नहीं किया है, तो वहां पे येट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अब या भी। कथन अभी करो, डू नाउ, स्टार्ट नाउ, प्ले नाउ, तो वहां पे नाउ मतलब अब या अभी दोनों बोलते हैं, कि मैं अभी खेलता हूँ, आई प्ले नाउ, तो यहाँ वही NOW। नेक्स्ट है आजकल। कथन आजकल मेरे ही चर्चे हैं, हर हर आदमी के जवान पर एक ही चर्चा है, विक्रम ट्यूटोरियल। तो आजकल का अंग्रेजी होता है नाउ ए डेज या दिस डेज, दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कथन नाउ ए डेज आई एम वेरी, आई हैव वर्किंग, या आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, मैं आजकल बहुत ही ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए होता है नाउ ए डेज या दिस डेज। नेक्स्ट है कभी कभी, समटाइम्स। कहते हैं ना कभी कभी, कभी कभी लगता है, तो बोलते हैं समटाइम्स इट सीम टू मी, कभी कभी मुझे लगता है, तो ये उसके लिए वर्ड होता है समटाइम्स। तो सब वर्ड बोलते हैं, और सब बोलने के लिए आप लोगों को ये वर्ड निश्चित रूप से नोट करना अनिवार्य है। हाल ही में रिसेंटली, कहते हैं रिसेंटली हम लोग वहाँ पे गए थे, उस टूर पे गए थे, रिसेंटली हम लोग ने फोटो क्लिक किया, रिसेंट फोटो, कभी कभी बोलते हैं रिसेंट फोटो है आपके पास, तो रिसेंट का मतलब हाल ही का फोटो, रिसेंट फोटो मतलब हाल ही का फोटो। तो उम्मीद करते हैं ये वर्ड आप लोग को समझ में आया होगा, और अभी मैं उस सेंटेंस को लूंगा जो सेंटेंस आप लोग जनरली बोलते हैं।
तो अभी हम लोग बात करेंगे वो सब सेंटेंस जो हमारे स्टूडेंट प्रिय स्टूडेंट मनीषा कुमारी ने भेजा है, और उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आप लोग भी अपने घरों में बोलते होंगे। तो आज मैं 8 सेंटेंस लेके आया हूँ, फिर से अगले दिन नेक्स्ट डे मैं फिर से ये सारे सेंटेंस को यानी दूसरे सेंटेंस को फिर लूंगा। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और पूरा उम्मीद है कि इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो प्लीज इंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक बटन जरूर हिट करें। तो हम किए सब कुछ, पहला जो क्वेश्चन आप वो भेजी है, हम किए सब कुछ, तो ये बोलने पे डिपेंड है। तो मुझे वो मनीषा बताए नहीं कि किस तरफ बोलना है, तो हम दोनों तरह से ले रहे हैं। बोलते हैं वी डिड एवरीथिंग, अगर हम लोग बोलते हैं कि हम किए सब कुछ तो बोलेंगे वी डिड एवरीथिंग। अगर हम लोग बोलते हैं हम किए सब कुछ, जैसे हम नॉर्मल बोले कि हम किए सब कुछ, तो बोलते हैं वी डिड एवरीथिंग। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। कुछ नहीं हुआ है, अक्सर हम लोग ये बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, बोलते हैं क्या हुआ है आशीष बोलो ना क्या हुआ है, तो बोलता है कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ, तो नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग हैज हैपेंड। आपके बारे में कोई कुछ नहीं बोला, बोलते हैं कि मेरे बारे में कोई कुछ बोला, तो बोलता था आपके बारे में कुछ नहीं, तो नोबडी सेड एनीथिंग अबाउट मी। ठीक है, नोबडी सेड एनीथिंग अबाउट मी, क्योंकि नोबडी से फिर नथिंग नहीं लगता, एनीथिंग लगता है, अबाउट यू, सॉरी अबाउट यू, मुझे कोई नहीं जानता। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि हमको कौन जानता, कोई नहीं जानता, तो नोबडी नोज मी, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। देखिए मैं सात सेंटेंस, मैं वो सेंटेंस लिया हूँ जो वो अक्सर बोलती है, और वो वही सेंटेंस ली होगी तो आप लोग भी जरूर ये लेते होंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये जानना है हमको, तो ये जानना है हमको मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू नो दिस, ऐसे हम लोग अक्सर बोलते भी, आई वॉन्ट टू नो दिस, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमको जानना है। नेक्स्ट है आपका फसाद का जड़ तो वही है, जिसको बोलते हैं द रूट ऑफ द ट्रबल इज राइट देयर। ठीक है, राइट देयर बोलते हैं वहां पे, ध्यान रखना ये थोड़ा सा टफ है, यही एक सेंटेंस जो है थोड़ा सा टफ है। द रूट ऑफ द ट्रबल तो आसान है, लेकिन फसाद का मतलब ट्रबल मतलब परेशान का, तो रूट मतलब जड़, तो परेशान का जड़ जो है वही है, तो मतलब राइट देयर बोलते हैं, तो वहां पे वही है, ही उस तरह नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस सबसे अच्छा लगा हमको और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, परेशान मत करो। अक्सर बोलते हैं कोई, बहुत लोग इधर उधर से कुछ करने लगते हैं, तो हम लोग बोलते हैं परेशान मत करो, इरिटेट मत करो, तो बोलते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, अगर बोलने के सेंस में, या डोंट इरिटेट मी, डोंट इरिटेट मी। नेक्स्ट है अकेला छोड़ दो, अक्सर बोलते हैं जब हम लोग आज के जीवन में अवसाद का जीवन हो गया है, लाइफ हैज बिकम हेल नाउ डेज, अक्सर हम देखते हैं स्पेशली आज के जो युवा हैं वो अक्सर इरिटेट हो जाते हैं, तो इरिटेट तक को बोलते हैं लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अलोन, ऐसे अक्सर बोलते हैं, आई वॉन्ट टू लीव अलोन, आई तो वहां पे हम लोग बोलते हैं लीव मी अलोन, मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, तो मी जो है अपने आप आता है, वो सेंस पे आता है। तो आज आप लोगों ने यहाँ तक देखा, और अभी आगे सेंटेंस देखेंगे, ये सेंटेंस उम्मीद है कि आप लोग लिख लेंगे, सबसे पहले वीडियो को फिर दूरा दूरा के चला करके आप लोग इसको पूरा अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग फिर से ले रहे हैं, वाजवर का टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट ही कर ले हैं। तो आज का टॉपिक है वाजवर। ठीक है, तो वाजवर पर सर सेंटेंस भी ले लेंगे, और जो प्रैक्टिस करना हो तुरंत हम छोटा छोटा प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद 31वां दिन से फिर मैं हम लोग नया नया सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ। तो इस पर हम लोग 3 तरह का सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहला नंबर 1 ध्यान रखेंगे, अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीत जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग वी आर बिकमिंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और हम लोग पकड़ सकते हैं, वी कैन ग्रेस्प इंग्लिश वेरी क्विकली, हम लोग अंग्रेजी को आसानी से पकड़ सकते हैं, और मजबूत जब हो जाता है तो एक दिन में हम लोग 3 सेंटेंस, वी कैन कैच इजिली 3 टाइप ऑफ सेंटेंस, क्या पकड़ नहीं सकते हैं, क्या मेरी बात को आप अंग्रेजी में समझ पाते हैं जो बोलते हैं, उम्मीद है पकड़ पा रहे होंगे। तो वाजवर में हम लोग 3 तरह का लेते हैं, सबसे पहला लेते हैं वाजवर प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हम ले चुके थे पहले भी, ठीक है, जैसे कि हम लोग लेते हैं जिसका जैसे रहता है, वह गरीब था, वह गरीब था, तो इस सेंटेंस में हम लोग वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा हम लोग लेंगे वाज वर प्लस लेंगे बिफोर, इसका मतलब होता है रहा था, और ये रहा था जो है वो आपका कहलाता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। टेंस में भी देखिएगा सब खत्म कर चुके हैं, और देखते हुए चलिएगा आप लोग, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। और तीसरा जो होता है वाज वर
अब प्लस अबाउट टू भी होता है, टू वाला भी होता है, अबाउट टू प्लस भी वन होता है, ये होता है वाला ही था, वाला ही था। जैसे जैसे सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ने ही वाला था, मैं पढ़ने ही वाला था कि तुम आ गया, मैं पढ़ने ही वाला था कि तुम आ गया, तो पढ़ने ही वाला था या वाला ही था, एक ही वाला था भी अच्छा होगा, ही वाला था। तो जैसे मैं पढ़ने ही वाला था, मैं सोने ही वाला था, मैं दौड़ने ही वाला था, मैं मरने ही वाला था, मैं पढ़ाने ही वाला था, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करेंगे। और मैं पढ़ने वाला सिंपल अगर बोलेंगे, एक सिंपल ले तो चौथा नंबर वाज वर, एकदम ध्यान पूर्वक देखेंगे, कंसंट्रेट करके देखेंगे, कंसंट्रेट, बिकॉज अगर अंग्रेजी सीखना है, बिकॉज मतलब क्योंकि देखिए बोलते हैं छोटा छोटा सेंटेंस कभी कभी हम बोलेंगे अंग्रेजी में, तो यू हैव टू लर्न, आपको सीखना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न, आपको पकड़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। तो वाज वर्ब प्लस टू, अब प्लस भी वन जब यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा वाला था या को है। जैसे मैं पढ़ने वाला था, अगर इसी को हम बोले मैं पढ़ने वाला था, मतलब कैजुअली जब बोलेंगे मैं पढ़ने वाला था, तब हो जाएगा वाज वर्ब प्लस टू प्लस भी वन। और जब बोले मैं पढ़ने ही वाला था, जोर दे करके, इनफैक्ट मतलब क्या बोलते हैं, इम्फेसिस करके, तो हम लोग वहां बोलेंगे वाज वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस भी वन। एक एक सेंटेंस को लेते हैं और बनाते हैं, और बनाने का वही रूल एक बार फिर बोल देते हैं। कोई भी अभी तक आप लोगों ने देखा, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद यहाँ बीच वाला में, यही सबसे टफ है, यहाँ वर्ब लगाते हैं, और फिर से वही ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और लास्ट में एटसेट्रा। तो यही बीच में, वो बीच में वो वाला जो जो डिपेंड करेगा, वो यही डिपेंड करेगा कि हम कैसा ले रहे हैं सेंटेंस को, इस सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। ये होगा आपका आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में हो जाएगा आपका कौन सा सेंटेंस, बताइए कौन सा सेंटेंस हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा आपका, देखिए जैसे निगेटिव होता है, तो उसी तरह एफिर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, वी से इट पॉजिटिव सेंटेंस, वी से इट एफिर्मेटिव सेंटेंस, वी से इट असर्टिव सेंटेंस, वी कैन से इट, जो आपको डिपेंड, जो आप पे डिपेंड करेगा वो आप बोलिए, लेकिन सही बोलना है। तो कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेते जा रहे हैं, आप लोग जरूर बनाइएगा खुद। मैं अमीर था, हमेशा लेते, देखिए सिंपल सिंपल सेंटेंस लेते हैं, मैं अमीर था, तो क्या बोलेंगे, आई वाज रिच बोलेंगे, आई वाज रिच। मैं गरीब था, सूरज मैं गरीब था। आई वाज पुअर, मैं एक स्टूडेंट था, आई वाज स्टूडेंट, मैं एक टीचर था, आई वाज ए टीचर, मैं एक दोस्त था, आई वाज ए फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था, तो गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा आई आई हैड हैड ए फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था, मतलब मेरे पास एक दोस्त था। तो ध्यान रखना है, तो गड़बड़ नहीं, आई एम ए फ्रेंड नहीं हो जाएगा। तो बहुत लोग अक्सर होता है कि बोलते बोलते मुंह से निकलता भी नहीं, यार आई एम फ्रेंड बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, वी शुड फॉलो द रूल, वी शुड फॉलो माई, जितना भी मेरा चीज बोला हुआ चीज है, जितना भी चीज को बोलते हैं इन इंग्लिश इन हिंदी, वो सब पकड़ना है। तो क्या हो जाएगा, मैं अगर बोलेंगे मैं एक गरीब था या गरीब छात्र था, तो क्या हो जाएगा, आई वाज ए पुअर स्टूडेंट, आज आई वाज ए पुअर स्टूडेंट। जब हम किसी चीज को बताते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो बोलते हैं ना कि मैं गरीब स्टूडेंट था, आई वाज ए पुअर स्टूडेंट। उसी प्रकार से अगर हम बोले मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, देखिए इस पर हम लोगों को बनाना है लास्ट वाला देख करके, मैं पढ़ रहा था, जो मेरा वीडियो शुरू से देखे हैं उसको ये सब बनाने में अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इतना उम्मीद करते हैं, आई होप सो, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सब दिक्कत नहीं हो रहा। तो आज मैं पढ़ रहा था, तो आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, मैं किताब पढ़ रहा था, तो आराम से बन जाएगा आई वाज रीडिंग ए बुक। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। मैं आईपीएल देख रहा था, आई वाज वाचिंग आईपीएल। मैं मुंबई इंडियंस का फैन था, आई वाज द फैन ऑफ मुंबई इंडियंस, आई वाज द फैन ऑफ चेन्नई सुपर, चेन्नई सुपर किंग्स जो भी नाम है, मैं भी उसका फैन हूँ, आई एम द फैन ऑफ सीएसके। तो ये सब जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका,
मैं दौड़ने ही वाला था, मैं दौड़ने ही वाला था, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? आई वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू क्या हो जाएगा, दौड़ना का क्या हो जाएगा, रन। आई वॉज अबाउट टू रन। क्या ये आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं? आप लोग अगर नहीं समझ पाए आज का वीडियो में, अगर जो नहीं समझ पाए, प्लीज प्लीज कमेंट एंड गो इन कमेंट बॉक्स एंड कमेंट ऑल द थिंग्स व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज कमेंट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज कमेंट, इफ यू डोंट नो एनीथिंग देन प्लीज कमेंट। आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यू, दिस इज माई प्रॉमिस। बट यू हैव टू बी इन माई चैनल एंड ऑलवेज वॉच माई चैनल, बिकॉज माई चैनल इज वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली हु लर्न स्पोकन। एंड स्पोकन इज वेरी वेरी इजी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस एट हाउस एट सॉरी विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर कलीग्स विथ योर पेरेंट्स। एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, आई एम लर्निंग यू ना, आई एम टीचिंग यू। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार क्या करना है, जैसे मेरा एक विजय जो प्रॉपर रोज वीडियो देख रहा है, उसका कहना है कि निगेटिव वाला भी सेंटेंस लीजिए और इंट्रोगेटिव का सभी सेंटेंस लेना है। तो इसका निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव भी उसी प्रकार हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा नंबर वन, सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वर हो जाएगा, प्लस नोट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एक सेंटेंस ज्यादा हम सेंटेंस नहीं लेंगे क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है, और उतना लंबा नहीं करना, आपको लंबा करना है घर में बैठ करके। तो ये सेंटेंस जैसे हो गया, तो मैं अमीर नहीं था, हमेशा छोटा छोटा सेंटेंस हम लेते हैं, तो मैं अमीर नहीं था लेकिन अब मैं अमीर हूं। आप ये सेंटेंस ले सकते हैं, यू कैन टेक दिस सेंटेंस बिकॉज, क्योंकि यू हैव लर्न ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दैट सेंटेंस। मैं अमीर नहीं था, मैं अमीर नहीं था, आई वाज नॉट रिच, बट नाउ, ना मतलब अभी बोले थे, अभी आई एम रिच बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड, मैंने कठिन मेहनत किया है यहां तक पहुंचने के लिए। बोलते हैं ना यहां तक पहुंचने के लिए, सोचिए कि यहां तक पहुंचने के लिए क्या सेंटेंस होगा इसके लिए अंग्रेजी में। तो मैं अमीर नहीं था, क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट में हो जाएगा आई वॉज नॉट पुअर, सॉरी आई वॉज नॉट रिच, मैं अमीर नहीं था। उम्मीद करते हैं इस तरह का जितना भी सेंटेंस होगा, जैसे अगर हम बोले दिल्ली भारत की, नई दिल्ली भारत की राजधानी था, सॉरी कलकत्ता ले लेता क्योंकि कलकत्ता एक समय था, तो कोलकाता, कोलकाता भारत की राजधानी था, राजधानी, राजधानी था, तो हो जाएगा कोलकाता, आप लोग बनाइए कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ, कैपिटल ऑफ इंडिया। प्लीज स्पीक विथ मी, मेरे साथ बोलिए, प्लीज स्पीक विथ मी, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू लर्न स्पोकन यू हैव टू प्रैक्टिस विथ मी, बिकॉज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, यू डोंट, इफ यू डोंट स्पीक देन यू कांट स्पीक। इट इज माई थिंकिंग, इफ यू थिंक आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, नो यू कांट स्पीक, बिकॉज स्पोकन इज नॉट हलवा, स्पोकन इज डिफरेंट थिंग। ओके, सो धीरे धीरे स्लाइडली, मतलब धीरे धीरे स्लाइडली स्लाइडली हम लोग, वी विल स्पीक इन इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी में बात करेंगे, वी विल स्पीक ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश, वी विल स्पीक इन इंग्लिश विथ माई स्टूडेंट आशीष कुमार, अमित कुमार, सूरज कुमार एंड सो ऑन, और भी स्टूडेंट है बहुत सारा, तो उससे भी बात करेंगे। तो कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर हम बोल दें कि पटना झारखंड की राजधानी था, तो क्या बोलेंगे, पटना वाज द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो ऐसा आपको बोलना है, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस, आई हैव प्रैक्टिस ए लॉट इन पास्ट टाइम एंड नाउ आई हैव टू प्रैक्टिस, आई ऑल्सो नीड प्रैक्टिस, बट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, बिकॉज आई नो हाउ टू स्पीक बट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस एट हाउस, टू सीट, टू वॉक, टू रन, एवरीवेयर, वे एवरीवेयर वेयर यू गो। ओके, जहां कहीं भी जाते हैं, वेयर एवर यू गो यू हैव टू प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर अंकल, विथ योर आंटी, एनीवेयर, एवरीवेयर। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट, नोट
और प्लस हो जाएगा वी फोर अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। और ये सेंटेंस सबसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, मैं देवघर जा रहा था, रास्ते में अमित मिला। आई वॉज गोइंग टू देवघर इन द वे अमित मेट मी, या आई मेट अमित, अमित मेट मी ज्यादा बेहतर है। आई मेट अमित इज राइट सेंटेंस। तो लेकिन जैसे हम लोग स्पोकन करते हैं अमित मेट मी बोल देते हैं, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोल देते हैं। तो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देवघर जा रहा था, मैं, और बोलिए मैं कलकत्ता जा रहा था, मैं कहाँ बोल रहे थे, मैं ट्यूशन जा रहा था। अक्सर हमारा स्टूडेंट ट्यूशन जाता है ना, मैं ट्यूशन जा रहा था, तो आराम से बोल सकते हैं सॉरी मैं ट्यूशन नहीं जा रहा था। हम लोग नहीं वाला लेना ना निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, हम लोग को वहां पे निगेटिव लेना था। यहाँ पे भी कलकत्ता भारत राजधानी नहीं था भी लेना था ना, तो गलती से हम ये ले लिए ना, कोई बात नहीं है। तो कलकत्ता वाज नोट द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके, तो सुधार कर लीजिए क्योंकि नहीं वाला लेना था तो आप लोग, वो तो आपको कमेंट करके ही बोलना था, तो खैर मैंने सुधार कर लिया। तो मैं ट्यूशन नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट गोइंग टू ट्यूशन। अच्छा ट्यूशन, आई वॉज नॉट गोइंग टू ट्यूशन, ओके। और देखिए फिर बोलते हैं बोर होना, देखिए ठीक नहीं है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो कभी बोर होते हैं, दे नेवर बी बोर्ड, ओके, वो कभी भी बोर नहीं होते हैं, वो दे कांट बी बोर्ड। बोर्ड मतलब बोर होना, मतलब उब जाना। तो आपको उबना नहीं है, जब आप दूसरे टीचर का 1 घंटा का वीडियो जब देख सकते हैं, तो मेरा क्या आधा घंटा या 1 घंटा का वीडियो नहीं देख सकते हैं, देखना ही पड़ेगा, यू हैव टू वॉच फॉर स्पोकन। तो आई वाज नॉट गोइंग टू ट्यूशन, मैं सो नहीं रहा था, अमित मैं सो नहीं रहा था, I was not sleeping. आई वॉज नॉट स्लीपिंग, अमित मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था, I was not shooting video. I was not shooting the video. तो बहुत ही सुंदर ये लोग जवाब देते हैं। बस और 9 दिन, 9 दिन के बाद ये लोग को बोलना पड़ेगा मेरे साथ, यू दे हैव टू प्रैक्टिस, वो हम लोग उसके साथ प्रैक्टिस करना होगा। देखिए दे हैव टू प्रैक्टिस मतलब मुझे वो लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता नहीं, सेंस में समझना, स्पोकन में उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विल नहीं बोलेंगे तो भी इसका मीनिंग यही समझिएगा, दे हैव टू प्रैक्टिस विद मी, वो लोग को प्रैक्टिस, इसका एक्चुअली होता है दे विल हैव टू प्रैक्टिस विद मी, लेकिन हम बोलेंगे दे हैव टू प्रैक्टिस विद मी, इसका मतलब वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर हम लोग लेंगे सब्जेक्ट प्लस लेंगे वाज वर प्लस ले लेंगे नोट प्लस ले लेंगे टू प्लस ले लेंगे वर्ब का पहला रूप, और आगे ऑब्जेक्ट समझ में आ ही रहा होगा। तो जैसे होगा मैं नहीं पढ़ने वाला था, तो अक्सर हम पूछ देते हैं क्वेश्चन, सॉरी अक्सर हम पूछते हैं क्या तुम पढ़ने वाले थे, क्या हम आगे क्या तुम पढ़ने वाले थे, मतलब नहीं मैं पढ़ने वाला नहीं था, आज जस्ट ऐसे ही हम बैठे हुए थे, तो बोलते हैं सारा चीज, एक एक चीज को बोलेंगे। बस थोड़ा सा और पैसन, इतना पैसन रखे ना 20 अगस्त वीडियो में, और थोड़ा सा पैसन, सिर्फ 9 डेज वाली पैसेंस रखिए, की पैसेंस फॉर 9 डेज, आफ्टर 9 डेज यू विल हैव टू प्रैक्टिस विथ मी डेली 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 फॉर 1 मंथ, आफ्टर दैट यू विल मेक ऑल द सेंटेंस इन इंग्लिश, दिस इज माई प्रोमिस, बट इन इन बिटवीन यू हैव टू, आई थिंक यू हैव टू प्रैक्टिस विथ योर कलीग, विथ योर फ्रेंड्स एंड सो ऑन। तो मैं नहीं पढ़ने वाला था, क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट टू रीड, समझ गए होंगे। एक से ज्यादा सेंटेंस हम नहीं लेंगे, अगर लेना चाहते हैं तो आप खुद लेते रहिए, और नहीं बनता है तो मुझे बताइए इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स सिर्फ आप लोगों को देखने के लिए होता है। लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए ना, हिट कीजिए ना, कब से मैं देख रहा हूँ आप लोग लाइक नहीं कर रहे, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ना, ज्यादा से दोस्तों को शेयर कीजिए, और उनको बोलिए कि मेरे वीडियो को देखें, आई एम सो पुअर टीचर, मुझे भी तो आप लोग भी रीच बना सकते हैं। देखिए दिस ये आप लोग हैं, दीज आर द पीपल, आप लोग वे लोग हैं जो हु कैन मेक मी रिच, जो मुझे अमीर बना सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं मुझे अमीर बनाना, अमीर देखना, अगर चाहते हैं तो प्लीज लाइक का बटन हिट कर दीजिए थोड़ा सा। तो तीसरा नंबर हो गया, अब इसी को जैसे ही हम लोग लेते हैं नेगेटिव, नेगेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम लोग आंसर में देते हैं, दैट मींस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहला
इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वाला नहीं लेंगे, सबसे पहले लेंगे वाज वर, अब प्लस ले लेंगे सब्जेक्ट, प्लस ले लेंगे कौन सी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, व्हाट विल आई टेक, ऑब्जेक्ट और प्लस एटसेट्रा ना, जैसे क्या, क्या मैं एक विद्यार्थी था, क्या मैं एक विद्यार्थी था, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, वाज आई ए स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या कोई प्रॉब्लम है, देयर इज एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, कल देयर का प्रयोग हो चुका था, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना, वाज आई ए स्टूडेंट, तो बोलेंगे यस, यस यू वर ए स्टूडेंट, यस यू वर ए स्टूडेंट, ओके। अगर नो में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इफ यू से नो देन, इफ यू आंसर इन नो देन यू से यू वर नॉट ए स्टूडेंट, यू वर एंड डोंट फियर, माय डायलॉग इज डोंट फियर, बीड इज हियर, आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश, डोंट वरी। तो ये हम लोग को बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे, अब हम लोग लेंगे डब्ल्यू एच वाला में ना, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी क्या हो जाएगा, वाज वर्ड, अब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा मेरी प्यारी स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा एंड लास्ट में इन लास्ट क्वेश्चन मार्क्स, आर यू गेटिंग और नॉट, आई थिंक यू आर गेटिंग प्रॉपरली, बट क्या हो जाएगा, एक लेंगे मैं क्या था, मैं क्या था, ओनली मैं लेंगे मैं क्या था, तो क्या हो जाएगा मेरी प्यारी स्टूडेंट, व्हाट वाज आई, मैं क्या था, तो यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, एनीथिंग व्हाट यू वांट, ओके। तो व्हाट वाज आई, तो हम लोग इसका आंसर देंगे इसका क्या, यू वर ए स्टूडेंट, यू आर एन इंजीनियर, यू आर ए फार्मर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए वेरी मैजिशियन नहीं होता है ना, यू आर ए मैजिशियन, वेरी मैजिशियन बहुत मैजिशियन था क्या, तो यू आर ए स्टूडेंट, या हम बोलेंगे मैं, तुम उदास क्यों थे, हम अक्सर ये पूछते हैं क्वेश्चन कि तुम क्यों उदास थे, अक्सर अमित पूछता है आशीष से, व्हाई वर यू सैड, तुम उदास क्यों थे, तो क्या बोलते हैं, व्हाई वर यू सैड, सैड बोलते हैं, सैड, व्हाई वर यू सैड आशीष दैट टाइम, उस समय तुम उदास क्यों थे आशीष, बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग प्रॉपरली माय थिंग्स, मतलब कुछ भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेज तो ऐसे बोलता है, हम बोल नहीं पाते, एक्चुअली आई डोंट प्रैक्टिस डेली, जहाँ जैसे ही मैं पढ़ाने शुरू करता हूँ तो मैं सोचता हूँ, आई स्टार्ट टू थिंक कि क्या बोलना है, व्हाट हैव आई टू स्पीक, मुझे क्या बोलना है, तो यू हैव टू, फिर बोल रहा हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, प्रैक्टिस करने वाला बच्चा जरूर अंग्रेजी बोलेगा। तो आज आप लोगों ने ये चीज देखा, इसी प्रकार से आप लोग घर में बैठकर उसका निगेटिव, अलग अलग जो सेंटेंस अभी लिए थे उसका निगेटिव खुद बनाएं, उसका इंट्रोगेटिव खुद बनाएं और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के सेशन में उस तरह के सेंटेंस को मैं लूंगा, तब तक आप लोग वीडियो को अलग दोस्तों तक शेयर करें और लाइक तो जरूर कर दें, अगर अच्छा लगता है, मस्त लगता है तो आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मेरे वीडियो को जरूर देखें और पसंद जरूर करें, चाहे खराब लगे या अच्छा लगे जरूर पसंद करें, क्योंकि मुझे मेरा मेन पर्पस है आप जैसे गरीब स्टूडेंट को सिखाना, अगर आज आप नहीं सीखते हैं तो कल भी गरीब थे और आज भी गरीब रहेंगे, कल भी गरीब रहेंगे, तो आपको गरीब रहना नहीं है, यू हैव नॉट टू बी पुअर, यू हैव टू बी रिच, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू रिच, क्योंकि मैं आपको अमीर बनाना चाहता हूँ, तो प्लीज तब तक के लिए आप लोग इसी प्रकार बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।